गंदा खा बस अड्डे में आप फेंक रहे हैं, पानी की वजह से खुद ही बोला है इन्होंने। और आप लोग अपना चीफ ऑफिसर से बात किया लोगों ने? जी हाँ सर, कहा है ये हमें पता नहीं है, उन्होंने कहा से तो पूछो ना अफसर से, नहीं तो और जगह खवातीन बच्चे बूढ़े तो हमें मना भी तो किसी ने नहीं किया, मना करता तो हम नहीं फेंकते, हमें तो मना भी नहीं किया किसी ने, कोई अभी आप पूछ लो किसी से भी, किसी ने कहा था कलेक्टर ने यहां भैया खुद ही भेज, खुद ही भेज, इतना कचरा हम लोगों ने कैसे फेंका है? आप लोग इतना वो कर रहे हैं कि आप अपने जो बाला अफसर से पूछते हैं ना, बाला अफसर से पूछते हैं, उन्होंने की इजाजत ली हमने। कौन से पार्टी है भाई साहब? यहाँ पे लोग बैठे हैं कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत तकलीफ है यहाँ। मैं कहता हूँ कि इसको कचरे को ख़त्म किया जाए, यहाँ पे टफ टाइल लगा के जाए ताकि यहाँ पे कोई साफ सुथरा माहौल हो। तो इस वक्त मौजूद हूँ गंदाखा बस अड्डा, यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि गंदाखा अड्डा में यहाँ पे पता नहीं किधर से कचरा उठाकर यहाँ पे फेंका जा रहा है। जो ताजर बरादरी दुकानदार हैं बहुत परेशान हैं, यहाँ पे बदबू है। मेरे आज दिखाने का मकसद आखिर क्यों इस तरह जुल्म हो रहा है, यहाँ पे साफ मिट्टी से भराई की जाए, हमने पहले ही रिक्वेस्ट किया था। तो दुकानदारों का कहना है कि हमें इतना बदबू है यहाँ पे दुकान भी नहीं चला सकते हैं। आप खुद कैमरा हमारी दिखा सकता है कि यहाँ पे कहीं से उठाकर यहाँ पे फेंका जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से ये लाते हैं, किसके हुक्म के मुताबिक आप गंदाखा बस अड्डा में ये आप फेंक रहे हैं? खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे खवातीन बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुल्म की इंतहा है। आज हम यहाँ पे दुकानदारों ने भी फ़ोन किया, भाई जान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वाल है? खुश हो? ठीक ठाक खैरियत? ये कहाँ से लाए? शहर से सर। शहर से? किसके हुक्म मुताबिक यहाँ पे गंदाखा बस अड्डे में आप फेंक रहे हैं? पानी की वजह से खुद ही बोला है इन्होंने। हमें इन्होंने कहा है कैलेंडर ने गंदा कर दिया, ये पानी निकाला। और आप लोगों ने अपना चीफ ऑफिसर से बात किया लोगों ने? जी हाँ सर, कहा है ये हमें पता नहीं है, उन्होंने कहा से तो पूछो ना अफसर से, नहीं तो और जगह वो तो कह रहे हैं कि भराई हो जाए। लेकिन यहाँ पे बीमारी फैल रही है, खवातीन बच्चे बूढ़े तो हमें मना भी तो किसी ने नहीं किया, मना करता तो हम नहीं फेंकते, हमें तो मना भी नहीं किया किसी ने, कोई अभी आप पूछ लो किसी से भी, किसी ने कहा था कलेक्टर ने भैया खुद ही भेज, खुद ही भेज, इतना कचरा हम लोगों ने कैसे फेंका है? आप लोग इतना वो कर रहे हैं कि आप अपने जो बाला अफसर से पूछते हैं ना, बाला अफसर से पूछते हैं, उन्होंने की इजाजत ली हमने। कौन से पार्टी है भाई साहब? खुद देख रहे हैं खवातीन बच्चे बूढ़े यहाँ पे बैठते हैं, ये आपका ये जो मुसाफिर खाना है यहाँ पे लोग बैठते हैं, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से कचरे उठा कर यहाँ पे फेंका जा रहा है, कुत्ते बिल्ले पता नहीं क्या चीजें देख रहे हैं। आज हमारे दिखाने का मकसद है, असिस्टेंट कमिश्नर से गुजारिश करूँ खुदा इस बाबर नोट लिया जाए, अगर यहाँ पे भराई करना है तो साफ मिट्टी से भराई किया जाए, यहाँ पे बदबू है, बीमारियाँ फैल बड़ा है, बीमारी है ना बाप, था कहीं मिट्टी दिन नहीं थी। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। भाई जान अस्सलाम वालेकुम। सही साफ भराई करो, हम बोल रहे हैं इधर बच्चे आ रहे हैं, सारा कचरा है, ये देखो पानी है, नाली का पानी आ रहा है, जो भी कचरा है इधर डाल रहे हैं। सेट से आप देख रहे हैं कि घर हैं सादात बरादरी के, ये दुकानें हैं, यहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, पता नहीं कहाँ से जो शहरों से जो कचरे उठाकर यहाँ पे फेंका जा रहा है। यहाँ पे मुझे ताजर बरादरियों ने यहाँ पे जो शहरियों ने गुजारिश की थी पहले कि यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे फेंका जा रहा है, जब हमने उन भाइयों से पूछा है शेख बरादरी से, वो हमारे खिदमतगार हैं, उनका कहना था कि हमें ड्राइवर जो हैं ड्राइवर हैं कंडक्टर हैं पता नहीं कौन है, उन लोगों ने कहा कि आप भराई करें, ये जुल्म की इंतहा है। इनका हक था कि अभी चीफ ऑफिसर से और उनके जो अब अमले हैं उनसे पूछना चाहिए था कि सर इतनी बड़ी यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं हमारे, और आइए कुछ और भी दुकानदार हैं उनसे भी पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। साईं इतने सजो नहीं असा धप अचे तो इतने आले चाहे तो मुजफ्फर खान लाए तो इन्हीं के ब्लेड हड़ाएं या इन्हीं के कोई सिस्टम करें। गंदाखा बस अड्डा है, जुल्म की इंतहा है, यहाँ खुद देख रहे हैं ये पानी ठहरा हुआ है। आज हमारे एक रिपोर्ट बनाने का मकसद है कि यहाँ पे साफ मिट्टी यहाँ पे डाला जाए, इसको बनाया जाए ताकि यहाँ पे लोग बेहतर तरीके से आएँ और जाएँ, यहाँ पे हमारे ख्वातीन बच्चे बूढ़े बैठते हैं और दूर दराज से बाहर से आते हैं तो यहाँ घंटा दो बैठते हैं, अपनी चीज़ें लेते हैं, ये जो अपना होटल है जो रोज़ी करा है। तो आज हमारे दिखाने का मकसद यही है, मैं गुजारिश करूँ इसी हिसाब से इस बाबत नोट्स लिया जाए, यहाँ पर खती रखा जाए और इसको साफ मिट्टी से भराई किया जाए, और दूसरे है कि यहाँ पे जो आपके टफटा लगाया जाए ताकि बसें गाड़ियाँ आ जाएं यहाँ पे, लोग मुस्तफीद हों। बहुत शुक्रिया।